वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल ते फेसबुक पेज ते स्वागत है जी। कई वीरां दी डिमांड ते अज असी पग दी वीडियो लैके आए हां, वट्टां वाली पग दी। सो जिहड़े अपने पहला लाड़ा लगाउणा सिर दे सेंटर दे विचों लिया के असीं दो ही पल्ले जिहड़े खोल लैणे ने ते पहला पल्ला उत्ते रख के इस दे विच वट अपने सैट कर लैणे आ ते हत्थ दे नाल प्रेस करके जिहड़ा एंड तक अपने वटा नूं दब लैणा ते पिछों एक बार पिंच करके दब के इस तों अगला लाड़ा लगाउणा ते जिहड़ा मोटा पासा उत्ते रख के खुलदा पासा थले रख के फिर बाद चो अपने उंगली अते अंगूठे दे नाल उपरले जिहड़ा पल्ला होवेगा उहदे वट इकट्ठे करने ने ते दूसरे जिहड़ा पल्ला उहनूं भी अंगूठे दे नाल इकट्ठा करके वट पाउणे ने। वट पा के अपने उहनां नूं सैट करना। सैट करने दे बाद जिहड़े अपने वट कपड़े दे अंदर होणगे उहनां नूं अपने बाहर कढ लैणा ते इस तों बाद दो पग पहने दे नाल जिहड़ा अपां ने नोक ते वट पाउणे ने अते वट ने जिहड़े संघणे करने ने। फिर अपने जिहड़ा इस लड़ नूं खोल के वट जिहड़े सैट करके अपने फिर एंड तक प्रेस करके अपने फिर अगला लड़ जिहड़ा लगा देना ते फिर एक बार दोबारा जिहड़ा नोक तों अपने पग पहने नाल वट ने जिहड़े उह सैट करने ने। वट पाउण लई आपां ने जिहड़े ने दो पग पहने वरतने ने ते वाचो इस तों बाद जिहड़ा अपना अगला लड़ होवेगा उस नूं पिछों दब के जिहड़ा इस नूं पूरा खोल लैणा ते पहला पल्ला जिहड़ा आपां ने इस नूं चंगी तरह खोल के अंगूठे ते उंगली दी मदद नाल जिहड़ा आपां ने फिर वट इकट्ठे करने ने ते फिर आपां ने इस नूं नोक ते अंगूठे दी नाल जिहड़ा प्रेस करके उस नूं इक जगह ते खड़ा के दब देना अते फिर अपने जिहड़ी नोक तों लैके एंड तक ने जिहड़े अपने फिर वट सैट करने ने। जिवें कि तुसीं वीडियो विच देख रहे हो ये जो पग है इसकी लेंथ 7.5 मीटर है जी। इहदे जिहड़े पेच ने वो टोटल पेच 6 होणगे। फिर अपने जिहड़े वट सैट करके एंड तक अपने प्रेस कर लेना। इस तों बाद जो अपना अगला लड़ होवेगा इस नूं भी मोटा पासा उत्ते रख के खुलदा पासा थले रखना है ते इस नूं अक तक खोल के जो अपने पहले पल्ला दे वट ने ओह इकट्ठे करने ने। उसे तरीके नाल जिहड़े एक अंगूठा ते दो उंगलियां दे नाल आपां वट इकट्ठे करके उंगले अते अपने अंगूठे दी मदद नाल इहदी नोक सैट करनी आ अते वट खोल के जिहड़े अपने लगा देने ने। फिर जो अपने ये वट पाउणगे उहनां नूं पग पहने दे नाल अपने संघणे करना अते शेप आ जिहड़ी ओह चारे उंगलां दी मदद नाल खड़ा लैणी आ अते अपने नोक आ जिहड़ी अंगूठे ते उंगली दी मदद लै के अपने उहनां नूं नोक खड़ाई रखणी आ। साडा यूट्यूब चैनल अते फेसबुक पेज नूं फॉलो अते सबसक्राइब जरूर करियो। जे तुहानूं वीडियो चंगी लगू तां वीडियो नूं लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। शेयर करन नाल जिहड़े भी होर वीरां दी मनोकामना होवेगी पग सिखण दी ओह भी पूरी होवेगी। अते जे कोई वीर स्टार भेज सकदा है तां स्टार जरूर भेजियो। सो इस तों बाद जिहड़ा आपां ने अगला लड़ लगाउणा पिछों दब के खुलदा पासा जिहड़ा थले रख लेना ते मोटा पासा उत्ते रख लेना ते पहला जिहड़ा आपां ने उपरला पल्ला उस नूं चंगी तरह नाल खोल लेना ते सदे जिहड़े वट ने ओही दो उंगलियां ते इक अंगूठे दे नाल जिहड़े आपां ने इकट्ठे कर लेने ने ते इक वार जिहड़ी आपणी पग नोक तों बाहर नूं निकल गई उस नूं आपां ने दब लेना ते वट ने जिहड़े उहनां नूं नोक ते खड़ा देना ते फिर आपां ने वटां नूं खोल लेना अते जिहड़ा एंड तक प्रेस करके अपने ये जिहड़े वट ने ओह पा के जिहड़ा अपने लाड़ा ये लगा देना। इस तों बाद अपने पग पेन जिहड़े ने दो इकट्ठे करके उहनां नाल अपने जिहड़े वट ने उहनां नूं होर संघणे कर लेना नोक तों अते एंड तों जिहड़े वट ने ओह शुरू होणगे। इह जो पग दी शेप आ पटियाला शाही है।
ਵੱਟ ਸੰਘਣੇ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੱਗ ਪੈਨ ਵਰਤਨੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟ ਹੈ ਨੋਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪੱਗ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਘਣੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਡਬਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ इस तो बाद जो अपने अगला लड़ लगाना ये लड़ लगाने के बाद जो अपने कलगी लड़ अते सिर ढकना अते बैक का लड़ लगाना ही रह गया सो मोटा पासा उत्ते रख के खुलदा पासा थले रखना ते उपरला पला ज्यादा खोल लेना ये अख तो थोड़ा जिहा अपने अगे रखना ते बाद इस फोल्ड करके जिहड़ा इहदे वट ने उह उसे तरीके नाल इकट्ठे करने आ ते इहनू फिर अपने साफ लगाना एक बार मोड़ के जेड़ा इस चंगी तरह खोल लेना है ते दूजी बार मोड़ के इस दी सफाई कर लेनी है ते इस चारे उंगलों नाल प्रेस करके जेड़ा ने जेड़ा आपां एंड तक लगा देना इस तो बाद जेड़े ये लड़दे थले वाले वट ने उन्हां नूं आपां ने पग पैन दे नाल जेड़ा संघणे कर लेने ने ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੇਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ फिर अपने बाज दे नाल अपना जिहड़ा बेस दा कपड़ा वध बाहर नूं होवेगा उहनूं अंदर कर देना अते शेप जिहड़ी बाहर नूं निकलेगी उहनूं आपां ने प्रेस कर देना ते इस तों बाद जो आपां ने कलगी लड़ अगला लगाना है इस नूं चंगी तरह खोल के एक बार इस नूं साफ कर लेना ते एक बार फिर हथ फेर देना जिहड़ा इस दे विच कोई वट ना रहे इस तो बाद जिहड़ा अपने पग पैने लगाना जिथे अपनी छेवें लड़दी जिहड़ी नोक बनेगी उत्थे अपने पग पैने लगाना है अते फिर एक बार जिहड़ा कलगी लड़ नूं साफ करके पग पैने दे थले रख के जिहड़ा अपने फिर ये कलगी लड़ नूं घुमा देना है घुमा के जिहड़े ये कलगी लड़ दे विच वट पैणगे उहनां दी सैटिंग करनी है ते छेवें लड़ दे थले जिहड़ा आपां ने इस नूं दब देना है ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਲੜ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀ ਲੜ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹ ਪੱਗ ਪਹਿਨੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੜ ਆ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਸਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਕਲਗੀ ਲੜ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਢਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਸਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਲਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪੇਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਪੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਟ ਫਿਨਾਲੇ ਲੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਪੇਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਲੜ ਖਿੱਚਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰਾ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਛਲਾ ਦੋਈ ਪੱਲੇ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ